अरे पापा जी, अगर हम आपकी बात या शब्द बोलते या सुनते हैं तो हमारा सुमरण बनता है, पर हमसे कोई पूछता है कि सुमरण किया तो क्या हम कह सकते हैं कि सुमरण किया? सुमरण तो सुमरण है, बातें माली के नाम की चर्चा है, दोनों अलग अलग हैं। अगर सुमरण नहीं किया तो हमने सत्संग तो बोला था कि जब आप एक दूसरे से मिलते हैं आप ये पूछते हैं, सुना तेरा क्या हाल चाल है। समाज में पता क्या होता है कि वो फकीर की निगाह बताती रहती है, उन्हें भगवान बताते हैं। अब एक पूछता सुना तेरा क्या हाल है, दूसरा कहता कमाल हुई पड़ी है, बारे न्यारे हैं। तो अंदर से पता क्या कहते हैं लोग, ईर्ष्यालु, तेरे घर में आग क्यों नहीं लगी। ऊपर से कहते हैं अच्छा 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 बहुत बढ़िया हुआ। अगर कोई कह दे कि मैं तो बहुत दुखी हूं, तो बहुत लोगों का हाल ये है, दुखी को देख के कहते हैं अच्छा हुआ तू इसी के लायक था। ऊपर से कहेंगे ओहो हो बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ। तो उसकी बजाय क्यों ना ये पूछा जाए कि नारा लगाएं और ये पूछे सुना भाई क्या तू सुमरण तेरा कैसा चल रहा है, भगवान से प्यार कैसा है। तो बहुत सत्संग तमल कर दिए तो उसमें सुमरण करना ही पड़ता है, ऐसी बातों से बात नहीं बनेगी। पूज्यता जी, जो व्यक्ति सेवा सिमरण करते हैं उन्हें क्रोध क्यों आता है? जो लोग सुमरण करके दसवें द्वार में प्रवेश कर जाते हैं उनका क्रोध पे काबू आ जाता है। अदरवाइज क्रोध एक ऐसी ताकत है जो जल्दी से काबू में नहीं आती, सो वो हर किसी को आता है। संतों का क्रोध एक अलग तरह का होता है। कबीर साहब के वचन है, संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। फकीर वैसे तो गुस्सा करते ही नहीं, पर अगर कभी कर दी भी दें तो पता नहीं सामने वाले के कितने कर्म कटते हैं। पूज्यता जी, कई बार सिमरन करते करते हमें नींद आ जाती है तो क्या इसका फल हमें मिलता है जी? नींद का तो काहे को फल मिलेगा, जितना सिमरन किया है उसका फल तो मिल गया। और सिमरन करते करते नींद आई, चलो दूसरी नींद से तो अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ मालिक की तरफ लिव लगी रहेगी और हो सकता है सपने में ही कर्म कट जाए। रविंद्र इंसान पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे सोने लग जाओ, सिमरन के टाइम तो सिमरन करो। हाँ, जब सो रहे हो तब सिमरन करके सो जाओ कि जब नींद आएगी देखी जाएगी, जाग रहे तब तक सिमरन से। पूज्यता जी, जिस दिन से हमने नामदान लिया है उस दिन से मेरे घर में सुख शांति हुई है और मेरे अंदर जो भूत जिंद थे वो भी दूर हो गए हैं और सभी बीमारियां बिल्कुल दूर हो गई हैं। पिताजी, मेरे अंदर एक कमी है कि मेरे को क्रोध और अहंकार बहुत आता है, इसको भी आप जी खत्म कर दें। आप सुबह सुमरण करें, उससे पहले प्रार्थना करो मालिक मेरा क्रोध और अहंकार चला जाए, और फिर सुमरण करो ऐसे शाम को। और जब भी कभी गुस्सा है नारा लगा के पानी पी लो, सारी सत्संगत के लिए भी वचन है, ये वचन सबके लिए होते हैं। तो आप अगर अमल करोगे तो जो भी आपको चोर तंग करता वो दूर हो जाएगा, बस महीना दो महीना करके देखो। गुरुजी, आत्मविश्वास को चरम बिंदु तक पहुंचाने के लिए दिन भर में कितना सिमरण करना होगा, क्या यह जाना जा सकता है कि हम आत्मविश्वास की किस स्टेज पर हैं? जी हाँ, आप अपने दिनचर्या से अंदाजा लगा सकते हैं आपकी सहन शक्ति कितनी है। अगर आप ज्यादा सहन नहीं कर पाते तो आपका आत्मविश्वास लो ग्रेड में है, थोड़ा सहन कर लेते हैं तो थोड़ा सा अप है, और अगर पूरा सहन करते हैं तो आत्मविश्वास बहुत है। तो रोजाना घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह घंटा शाम तो जरूर सुमरण करो ताकि आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाए। इनका अगला प्रश्न है, सिमरण करने के लिए कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यहाँ दुनिया में बहुत से काम धंधे हैं, नाम तो मिल ही गया, आगे मरने के बाद रूहानी मंडलों पर सिमरण ही तो करना है और वहाँ कोई काम करना नहीं पड़ता, पहले यहाँ के काम तो कर लें। वहाँ रूहानी मंडल में गद्दियां नहीं बिछी हुई, यहाँ तो आराम से जाप कर लोगे, वहाँ फिर
जैसे वो चाहेगा वैसे करवाएगा, वो सजा के रूप में होता है। सो अच्छा है यही कर लो काम धंधा हाथों पैरों से। हथ कार वल ते ध्यान यवल।